और बड़ी खबर आपको बता दें, कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए ने 3,500 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है। चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि कन्हैया लाल की हत्या के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी एक्टिव थे। कन्हैया लाल की हत्या के लिए पाकिस्तान के टीएलपी लीडर ने गौस और रियाज को मोहरा बनाया था। बात करेंगे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से। मनीष, इस चार्जशीट में और कौन सी बातें सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल 3500 पन्ने की ये चार्जशीट है जिसमें लगभग 150 से ज्यादा जो है जिन लोगों से पूछताछ हुई है और 11 आरोपी बनाए गए हैं और तमाम खुलासे हुए हैं। इसमें पाकिस्तान कनेक्शन सबसे बड़ी बात है जो कि सामने आया है और इस पाकिस्तान कनेक्शन में तहरीके लबैक के जो लोग हैं वो और दो जो नाम है सलमान और अबू इब्राहिम, ये भी पाकिस्तान के लोग हैं जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इसमें खुलासा हुआ है कि यही दो लोग इंस्टिगेट करते थे, वीडियो डालते थे और वीडियो डालने के बाद इनको कहा जाता था कि इस तरीके से भड़काऊ पोस्ट बनाया जाए और उसके बाद इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए। खास बात यह है कि इसमें वो ऐसे नाम आए हैं सामने जो अलग अलग जगहों से इन ग्रुपों में जुड़े हुए थे, अलग अलग नाम से इस तरीके के ग्रुप बने हुए थे और एनआईए ने पूरी अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि किस तरीके से रेकी की गई थी, किस तरीके से तैयारी। आपको याद होगा जिस वक्त ये पूरी घटना हुई थी, जब हम आपसे लगातार बात करते थे तब भी आपने कहा था कि इसमें किस तरह से पाकिस्तान का हाथ सामने आया है, तहरीके लबैक का हाथ आया है और चार्जशीट में ये बातें अब खुलकर लिखी गई है विस्तार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।